नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम यहां NTA UGC नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टॉपिक वाइज हर यूनिट को यहां पे कवर करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पर टॉपिक वाइज आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगी, जिससे आपको स्टडी करने में और सुविधा हो। तो इससे पहले भी मैंने एक भारतीय काव्यशास्त्र के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। तो आज हम आदिकाल से रीतिकाल के हिंदी कवियों के जन्म कालक्रम के ऊपर आए हुए उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ये दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस चार ऑप्शन में जो उत्तर सही है वो है सी, और इसमें सरहपा का जन्म है 769, और गोरखनाथ का जन्म है 845, हेमचंद्र का जन्म है 1145, और सोम प्रभु सूरी का जन्म है 20वीं सदी। तो ये क्वेश्चन पहला आया था 2004 दिसंबर में, और इनके कालक्रम पूछे गए हैं। तो जो मैंने इनके आंसर सहित यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप ध्यान रखें इनको। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर सही है सी, और इसका अनुक्रम है सरहप्पा, जिनका जन्म 769, और गोरखनाथ का 845 ईस्वी, अमीर खुसरो का है 1254 ईस्वी, विद्यापति का 1350 ईस्वी। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। ये दिसंबर 2005 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें इसका उत्तर जो सही है चार ऑप्शन में से वो है सी, और इसका अनुक्रम मैंने दिया है वो चंद्रबरदाई संवत 1205, जगदीक 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो 1254 ईस्वी, श्रीधर संवत 1737 ईस्वी। इसी तरह चौथा प्रश्न है, जो दिसंबर 2015 में पूछा गया है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है, जिसमें इसका उत्तर सही है ए, और इसका अनुक्रम है गोविंद स्वामी, जिसका जन्म 1505, और आलम का 1583, गुमान मिश्र का है 1806, और बेताल का मुझे मिला नहीं, तो अगर आपको मिला तो आप इसको ध्यान रखें। उसी तरह पांचवा प्रश्न करते हैं, जो जून 2016 में पूछा गया, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, जिसमें उसका उत्तर सी सही है, और इसका अनुक्रम दिया है मैंने नीचे, जिसमें स्वयंभू 783 ईस्वी, पुष्पदंत 959 ईस्वी, अब्दुल रहमान जिनका जन्म है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, इसी तरह हेमचंद्र है 1145। छठा प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है डी, अनुक्रम है सरहप्पा 769, लोईपा 773 के ईस्वी लगभग, पुष्पदंत 959 ईस्वी, अब्दुल रहमान 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। तो आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सातवां प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है। ये जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है ए, और इसका अनुक्रम है अमीर खुसरो, जिसका जन्म 1254, विद्यापति 1350, रैदास 1388, और गुरु नानक 1469। इसी तरह आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा सही है, जो दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें चार ऑप्शन में से डी सही है, जिसका अनुक्रम है नीचे दिया मैंने, कबीर दास जिसका जन्म 1398, और दादू दयाल का 1554,
मलूक दास का 1574, सुंदर दास का संवत 1653। इसी तरह नौवां प्रश्न है जो जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। जिसका उत्तर सही है वो है बी, और इसका अनुक्रम मैंने नीचे दिया है जिसमें कुम्मन दास का जन्म है 1468 और सूरदास जी का जन्म है 1478, परमानंद दास जी का जन्म है 1493, कृष्णानंद दास का है 1496। इसी तरह दसवां प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2014 में भी पूछा गया और जून 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर सही है सी, जिसका अनुक्रम है गुरु नानक देव जी का जन्म 1469, दादू दयाल का है 1544, मलूक दास का है 1574, सुंदर दास का है 1653। इसी तरह ग्यारहवां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है सी, और इसका अनुक्रम है कुतुबन जिसका जन्म है 1503 ईस्वी, उस्मान 1613 ईस्वी, काशिम शाह 1731 ईस्वी, नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी। इसी तरह बारहवां प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। ये जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर सही है सी, और इसका अनुक्रम है कबीर दास 1398 ईस्वी, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी, दादू दयाल का 1544 ईस्वी, मलूक दास का है 1574 ईस्वी। इसी तरह तेरहवां प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ये नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है बी, जिसमें कबीर दास जी का जन्म है 1398, गुरु नानक का 1469, दादू दयाल का 1544 और सुंदर दास का 1596। इसी तरह चौदहवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें इसका उत्तर सही है डी, इसका अनुक्रम है परमानंद दास 1493 ईस्वी, चतुर्भुज दास संवत 1520 ईस्वी, गोविंद स्वामी जिसका जन्म 1505 ईस्वी, छीत स्वामी जिसका 1515 ईस्वी। इसी तरह पंद्रहवां प्रश्न पढ़ेंगे, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है बी, जिसमें अनुक्रम है अमीर खुसरो जो 1254 ईस्वी में इनका जन्म, और कबीर दास 1398 ईस्वी, दादू दयाल 1544, सुंदर दास 1596 ईस्वी। इसी तरह जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी संतों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें इसका उत्तर सही है बी, इसका अनुक्रम है मुइनुद्दीन चिश्ती जो 1141 ईस्वी, निजामुद्दीन औलिया 1238 ईस्वी, शेख चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती, इनका मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिला तो आप इसको ध्यान रखें। इसी तरह सत्तरवां प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका इस जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम का जो उत्तर है वो है डी, और इसका अनुक्रम है रैदास जिसमें 1388 इनका जन्म है, मीराबाई 1498, मलूक दास 1574, रजब संवत 1644 ईस्वी। इसी तरह भक्त माल में दिए गए रामानंद के प्रथम चार शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है बी, और नौवां 19वां प्रश्न पढ़ेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है सी। इसी तरह कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है।
ये दिसंबर 2018 में पूछा गया 20वां प्रश्न है। इसका उत्तर सही है ए। रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी, निम्बर्काचार्य 1250 ईस्वी, मध्वाचार्य 1238 ईस्वी, वल्लभाचार्य 1479 ईस्वी। इसी तरह 21वां प्रश्न पढ़ेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है सी, जिसमें सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, जायसी का 1492 ईस्वी, तुलसीदास जी का 1532 ईस्वी, रहीम दास जी का 1556 ईस्वी। इसी तरह 22वां प्रश्न है, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ये दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है डी। इसका अनुक्रम है केशव दास जिनका जन्म 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी, पद्माकर 1753 ईस्वी। इसी तरह 23वां प्रश्न है, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ये दिसंबर 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है सी। और इसका अनुक्रम है विद्यापति जिनका जन्म 1350 ईस्वी, रसखान 1548 ईस्वी, केशव दास 1555 ईस्वी, दिजदेव 19वीं सदी के। इसी तरह 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है डी। केशव दास जिनका जन्म 1555 बिहारी, 1595 ईस्वी, चिंतामणि 1609, पद्माकर 1753 ईस्वी। तो देख रहे हैं आप कैसे बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, हर बार ऐसे ही रिपीट होते हैं हर टॉपिक में से। तो 25वां क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है जिसका उत्तर सही है ए। और इसका अनुक्रम है बिहारी 1595 ईस्वी में इनका जन्म, चिंतामणि 1609 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी। इसी तरह 26वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है ए। और आलम जी का जन्म है 1583 ईस्वी, घनानंद का है 1689 ईस्वी, ठाकुर जी का है 1766 ईस्वी, दुजदेव का है 19वीं सदी। इसी तरह 27वां प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? ये दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर सही है बी। इसका अनुक्रम है बिहारी इनका जन्म 1595 ईस्वी, चिंतामणि 1609, मतीराम 1617 और घनानंद 1689। इसी तरह 28वां प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है ए। और अनुक्रम है बिहारी जिनका जन्म 1595 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, भिखारी दास जी का जन्म है 1725 ईस्वी। इसी तरह पद्माकर जी का है 1753 ईस्वी। और 29वां प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है सी। और इसका अनुक्रम है केशव दास 1555 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी, चिंतामणि 1609, भूषण है 1613 ईस्वी। इसी तरह 30वां प्रश्न है, जो जून 2017 में पूछा गया, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जो इसका उत्तर सही है डी। और इसका अनुक्रम है चिंतामणि जिनका जन्म 1609, जसवंत सिंह का है 1627, देव का है 1673 और भिखारी दास जी का है 1725। इसी तरह जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सही है बी। भूषण जी का जन्म है 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह का है 1627 ईस्वी, देव का है 1673 ईस्वी, सुरती मिश्र मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला तो आप इसको भी ध्यान रखें।
इसी तरह 32वां प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, जो जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर सही है ए, और अनुक्रम है इसका केशव दास जी, जिनका जन्म 1555, बिहारी का है 1595 ईस्वी, मतीराम का है 1617 ईस्वी, और घनानंद 1689 ईस्वी। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर सही है ए, अनुक्रम है केशव दास 1555, सेनापति 1589, बिहारी 1595, भूषण 1613। तो ये थे हमारे आदिकाल से रीतिकाल के कवियों का जन्म के अनुसार कालक्रम, जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। देख रहे हो दोस्तों कैसे बार 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 रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी तरह हर टॉपिक में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपको अध्ययन करने में, स्टडी करने में आपको बहुत सुविधा हो। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।